आप तीन चीजें रख रहा हूं रवि भाई, ध्यान दीजिएगा। इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्रिश्चियंस के हाथों सौंप दिया है, राइट? इस देश के इतिहास को हमने 70 सालों में कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया था। और तीसरी चीज बताओ, इस देश का एंटरटेनमेंट आपने जिहादी मुसलमानों के हाथों छोड़ा। आपकी तीनों चीजें आपके पास नहीं है, इसलिए गुलशन कुमार की हत्या हुई आप समझे ही नहीं कि उसका क्या मसला था। गुलशन कुमार की हत्या भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भजन कीर्तन और मंदिर को बाहर कर दिया, और अब मौला रे मौला होता है, लड़की हिंदू घर की होती है, लड़का मुसलमान घर का होता है। हर फिल्म में बताया जाता है इस्लाम कितना अच्छा है, हर फिल्म में बताया जाता है कि मुसलमान कितना अच्छा होता है। आपकी नई जनरेशन इसी चक्कर में गफलत पे है। ना आपने खुद इतिहास लिखा है, ना प्राइमरी एजुकेशन आपके पास है, ना ही इंटरटेनमेंट का कोई नैरेटिव आपके पास है। इसलिए दिवाली पे सलमान की पिक्चर रिलीज होगी, ईद पे शाहरुख की होगी, और क्रिसमस पे आमिर खान की। आपकी फिल्म कहां बन रही है, कैसे बन रही है, पता नहीं। हम अपने आइकॉन नहीं ढूंढते, और कोई आदमी राष्ट्र के लिए बिना किसी लालच के कोई काम भी कर रहा होगा तो सबसे पहले हमें उसी के अंदर कुछ नुस्त निकालना होता है। हम उसको कैसे मजबूत करें इसकी हमें चिंता नहीं होती, हम एहसान करते हैं।